there are a few things that I used to pray for, but Allah, I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. I said, it's with Shah Rukh Khan. My mother went, I said, no, Amma. She said, you're lying. I went to him and I said, hello. And he said, Assalamu alaikum. How could I not say Assalamu alaikum? That's my thing. I am from Pakistan. Believe me, he was working harder than any one of us. That's why when I... ये तालियां अर्नाब गोस्वामी तक जरूर पहुंचनी चाहिए और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे। सही बात। फिल्में करना चाहती थी, गुरुदत्त का बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता था, माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी और शाहरुख खान की फैन थी और फिर एक दिन शाहरुख खान की हीरोइन बन गई। शाहरुख खान, सो इट्स वेरी, इट्स समथिंग अगेन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कह देते हैं तो फिर वो अपनी नहीं रहती। सो आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट एज मच एज आई कैन, बट आई कैन टेल यू हाउ इट हैपेंड। हम सफ़र, ऑफ कोर्स मैं हम सफ़र के लिए गई थी बॉम्बे, मुंबई। सो वहाँ वो तीन साल बाद ऑन एयर कर रहे थे और प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था, तो आई वेंट एंड मुझे एक कॉल आई, कॉल आती गई, मैं फ़ोन वोन मेरा पता नहीं है, इनफैक्ट यू हैव माई फोन, सो फ़ोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था, फ़ोन बचता गया कुछ पता ही नहीं चला, फिर एक मैसेज आया, बिग फिल्म पिक अप। मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो मज़ा तो आएगा इसको, ये तो मैं कॉल लूँगी। तो मैंने कहा ओके, बिग फिल्म पिकअप। मैंने कहा हेलो, कहा जी दिस फिल्म, यू नो उन्होंने, मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो इफ आई, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी फिल्म की बात हो रही है, और मैं दूसरे दिन वापस कराची आ रही थी। सो अगेन मंडे था तो संडे वापस आ रही थी। तो उन्होंने जब बताया कि एक्सेल प्रोडक्शंस है, तो दैट रैंग अ बेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, दिल चाहता है और ज़िंदगी ना मिली, दे मेड सम गुड फिल्म्स। सो आई सेड ओके, उन्होंने कहा अगर आप कल मिल सकती हैं तो हम डायरेक्टर के साथ और ये वो। तो मैं सुबह उठ गई, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा स्टोरी का बताया, लेकिन शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा। मैंने भी गूगल किया, ये कौन सी फिल्म है, बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट। खैर दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया। मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ सुबह को आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है और मुझे जाना है। खैर मैंने ऑडिशन दे दिया, ख़त्म हो गई बात। थोड़े दिनों बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी यू गॉट द पार्ट। मैंने कहा व्हाट्स द पार्ट? उन्होंने कहा यू आर द लीड हीरोइन ऑपोजिट शाहरुख खान। मैंने कहा ओके, कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट? दे सेड व्हाट? आई सेड कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट? व्हाट? या इट्स शाहरुख खान। आई सेड आई नो, आई वांटेड टू से यू आर टेलिंग मी आई लव हिम, बट कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट? एंड दे वर एक्चुअली वेरी वेरी काइंड। आई हैड अनदर वीज़ा, उन्होंने कहा कि आप या तो यहाँ आ जाएं, हम आपको नरेट कर देते हैं, या फिर हम आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड इन माय हाउस इज़ वेरी फनी, क्योंकि मैंने सबको एक राउंड अप किया, अम्मा अब्बा मेरे भाई सबको, बहुत देर रात थी। मैंने कहा वो आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग। मैंने कहा हाँ ये वो। मैंने कहा वो मैं एक फिल्म करना चाह रही हूँ इंडिया में। अम्मा जय व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज इट? एंड अब्बा जय अच्छा आगे बोलो, इट साउंड्स लाइक आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ हेयर। सो एवरी वन, नो वन केयर्ड। आई वॉज लाइक प्लीज जस्ट सिट, आई हैव टू टेल यू दिस। लाइक ओके, आई सेड इट्स विद शाहरुख खान। माई मदर वेंट आई सेड नो अम्मा, शी सेड यू आर लाइंग।
I said, no, I'm not lying. No, she's lying. I said, no, Amma, I'm not lying. Shah Rukh Khan is your... I said, yes. She said, pata nahi is bachchi ne bahut achhi cheezein ki hai zindagi mein. I was like, kya ho gaya? She said, but what's the role? You can't do anything bad. I was like, I will not do anything, don't worry. Abba's like, my father on the other hand was like, okay, are you sure? He is just like me. He was also on Google. He's like, what's the name of the film that you're going to be doing? So it was the strangest. In fact, mujhe nahi pata ki Shah Rukh Khan se mulaqat wo to ek aur hi jab main mili unse aur phir set pe wo ek aur cheez thi lekin ye jo mere ghar mein chala na it was hilarious kyunki kisi ko ye yakeen nahi aa raha tha kuch against bhi the ki pata nahi kahan kya karke aayegi kaun jayega iske sath it was just an unreal scenario and also I'll tell you something as a kid there are few things that I used to pray for but Allah, may I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. Small little, you know, kids praying for things that they think that they. वैसे आप सोचती होंगी कि अंकल शाहरुख के साथ करूंगी ये क्या पता था कि उनके ऑपोजिट करना होगा अच्छा तो अभी आपने बात छेड़ी थी और फिर गोलमोल कर दी कि शाहरुख खान से पहली दफ़ा मिलना फिर काम करना उसकी थोड़ी सी कोई डिटेल्स तो बताएं क्या बताऊँ अभी पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो अगेन वही मैं नरेशन के लिए गई थी तो वो मिलने आए थे उन्होंने एक्चुअली मेरा आई थिंक ऑडिशन देखा था एंड दे ऑल लाइक्ड इट सो एंड काफ़ी और लड़कियों ने ऑडिशन किया था मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही कोई ऑडिशन दे के आई हूँ लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगाया था जब मैं गई थी सो ही व्हेन आई वेंट आउट सो आई डिडंट नो कि You know, yahan it's very like Assalamu alaikum kaise hain aap ye wo maine kaha no the good thing to do is hello 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 okay main nikli apne trailer se aur main bahar gayi to there he was standing of course mere to sab cheeze you know the leaves were flying suraj hua madham aur slow mo Sarmad, I was like walking in slow mo anyway so that's not true I went to him and I said hello and he said assalam alaikum I not say Assalamu alaikum. That's my thing. I am from Pakistan. Why did I not do that? Oh my God! Of course, Assalamualaikum. Assalam. मैं अपनी आपने मुसाफ़िर कर लिया. मैं वालेकुम अस्सलाम क्योंकि इमेजिन मैं तो अपने तौर पे एक न्यूट्रल मैंने कहा हेलो अब मुझे क्या पता था कि वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम मैं उसके बाद फिर मैंने सलाम ही सलाम मैंने कहा ये अस्सलाम वालेकुम है ओके फाइन अस्सलाम वालेकुम सो एवरी मॉर्निंग आई से अस्सलाम वालेकुम सो या आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम आई हैव लर्नड अ लॉट फॉर एग्जांपल मतलब ये बात इतनी आसानी से तो नहीं हम जाने दे सकते ना कि हाँ बहुत अच्छा लगा सबने I've never actually talked about अच्छा मुझे तो सेट पे आते तो यूं करते हैं नहीं अच्छा तो ये तो पूछ रही है वो कि क्या करते हैं ना हमें तो लगता है कि वो यूं करते हैं बस सेट पे नहीं अच्छा I see that. I saw that. But I don't know what to talk about. I never really talk about this. But okay. Is he a giving actor? He like is there a very giving actor. Okay. So he is actor. So there, I'll tell you what all I learned from him. Apart from singing in high speed, I learned which is something that one must learn from Shah Rukh Khan. You know. He can do that like nobody other. The other thing I learned from him was that he is a very giving actor. He does not care about just his own dialogue or his scene or his performance. Believe me, he cares about every single person in the frame. And he says that he's like, you know, a film is made in totality. Ye tum achhi hogi to main achha hunga. अगर मैं अच्छा होऊंगा तो तुम अच्छी होगी एंड
and vice versa. So he always used to say that to me. One thing he always says, speed up the, you know, we are so used to talking slowly. At least I speak slowly, I think. So he would always say, jaldi baat karte hain yaar. I say, jaldi mein. जल्दी से मुझसे जल्दी नहीं होता तो यू नो देयर वर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग आई थिंक एंड ही वुड सो देयर आर सो मेनी थिंग्स ही टोल्ड मी इट वाज एन एक्सपीरियंस रियली आई वुड सिट विद हिम आई वुड आस्क हिम क्वेश्चंस आई वुड आस्क हिम अबाउट द फिल्म्स दैट आई लाइक्ड हिम इन यू नो like Dil Se and stuff like that. I would ask him, ke, did you also like yourself in that as much as we all liked you in that? Stuff like that. Another thing that I learned, and that's why, I mean, I always felt this, but now I feel this even more. It can be Shah Rukh Khan, or it could be Brad Pitt, or Daniel Day-Lewis, whoever it may be. But yes, I worked with someone who is supposedly, and he is, the biggest star that is there, supposedly. Yeah, apparently right? He's been rated the number one. He's the number one or second most powerful actor. So, here he was, the most powerful actor star in front of me. And believe me, he was working harder than any one of us. That's why when I ये तालियां अर्नाब गोस्वामी तक जरूर पहुंचनी चाहिए और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे सही बात हां so when and you know the things that he does like he stops for every selfie he stops for his fans so anytime I think about it I feel that's my greatest treasure that I will stand there on set because I saw someone do it and I felt like I want to be like this.